जहां तक उपचुनाव की बात है, हालांकि बीजेपी ने अपना ही प्रत्याशी उतारा है जो कभी समाजवादी पार्टी का था। वो जानते हैं गिनती में कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश और सड़क भी हो सकता है। मैनपुरी ने पहले भी देखा, एक बार जब चुनाव हुआ था तो कई बार लोगों को वोट डालना पड़ा था और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसी सख्ती की थी कि वोट पड़ ना पाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जहां हमारा संगठन मदद कर रहा है, हमारी पार्टी के नेता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वहीं अगर आप लोग भी हमारा सहयोग कर देंगे तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। सबसे कार्यक्रम करके आया हूं, वहां लोग भी फैसला लेके बैठे। और सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो आप मैनपुरी तो जीती रहे थे, आप भूगांव भी जीत रहे होते। आपको बेईमानी केवल भूगांव बेईमानी से नहीं हराया, उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा पता कर लेंगे, आपकी सरकार बन गई। लेकिन जानबूझ करके उन्होंने पहले तो वोट काटे, वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, और बाद में जाकर के आपकी विधानसभा की जब गिनती हुई उसमें आपको हरा। एक ही जिले में सोचिए कभी, जब 20,000 से जीत रहे हो, 24,000 से जीत रहे हो, और वहीं हम 700 वोट से हार गए। बूथ पकड़ करके हम लोग काम करेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। जहां तक नेताजी के बारे में, आप में से ऐसा कोई नहीं है जो नेताजी के बारे में नहीं जानता। फौज के लिए जो काम किए, जो फौज के लिए फैसला लिया, कोई भी रुकावट आई होगी, लेकिन अगर उन्होंने मन बना लिया फैसला लेने के लिए तो उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं पाई और फैसला लेकर दे दिया, चाहे वो शहीदों को सम्मान देकर के। और मुझे याद है कि बहुत सारे लोग ये कहते थे नेताजी से, जब उनका सबसे हाईएस्ट पीक पे दौरा था सियाचिन ग्लेशियर के लिए, जब जाने का उनका कार्यक्रम बना तो बहुत सारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि सियाचिन इतनी ठंड का इलाका है, अगर आप अपने पहनावे को पहन करके जाएंगे तो हो सकता है सर्दी लग जाए, आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा। नेताजी नहीं माने, और आज भी अगर आप तस्वीरें या वीडियो देखते होंगे, और फौज के लोग जो उस इलाके में काम किया होगा, जिन्होंने नौकरी की होगी, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर के देखा होगा मौसम, वो जानते होंगे कैसा मौसम। नेताजी ने उस मौसम की परवाह नहीं की, और इसलिए क्योंकि वो अपना पहनावा नहीं बदलना चाहते, उसी पहनावे में गए, धोती और कुर्ते में। इसी तरह जब सुखोई की डील के लिए हमने जाना था रशिया में, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे, और जब सुखोई के लिए गए थे तब भी बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि रशिया में भी बहुत ठंड पड़ती है, वहां आप अगर पहनावा दूसरा नहीं पहनेंगे तो हो सकता है ठंड लग जाए आपको। नेताजी ने कहा जब मैं सियाचिन जा सकता हूं धोती और कुर्ते में, तो रशिया में भी जाऊंगा धोती कुर्ते में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।